वेलकम टू एक्सेल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी एक्सेल की वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच। हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। सो दोस्तों, आज हम फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं, एरे फॉर्मूला, एरे फंक्शन, जिसे हम मीडियन और इफ एक साथ अप्लाई करेंगे एरे फंक्शन के अंदर। तो ये कैसे करते हैं, मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मीडियन जो फंक्शन है वो हमारा करता क्या है। मीडियन फंक्शन आपको एक वैल्यू के अंदर से एक जो उसका मिड वैल्यू है वो आपको पॉपुलेट करके दे देगा। मगर अगर हमारे पास एक क्राइटेरिया हो, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक क्राइटेरिया है यूनाइटेड स्टेट्स, और मैं चाहता हूँ यूनाइटेड स्टेट इसमें जितने भी हैं उसके अंदर से मुझे एक वैल्यू, एक मीडियन पॉपुलेट करके दो, तो ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसको पॉपुलेट कराने के लिए हमें मीडियन और इफ फंक्शन ज़रूरी होता है जो कि एरे के अंदर लगता है। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स लिखा, इसने 923 दे दिया। मैं आपको यहाँ फिल्टर लगाता हूँ, मैं यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए, इन सब का मीडियन आपको सबसे नीचे दिखाई दे रहा होगा 923, क्योंकि ये देखिए, ये 980, 992 और 729 और 815, इन सब का मीडियन क्या है, 923। सो इसने हमें यहाँ पॉपुलेट करा के दे दिया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे इंडिया लिख देंगे तो ये 619, क्या ये सही है? ये देखिए, सो 619 बता रहे थे, तो अभी हम देखते हैं 918, 896 and this 2, 123 and 219. So I believe in center जो पड़ता है वो 619 ही है। So इसने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो ये हम कैसे लगा सकते हैं, आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए एक डेटा सेट बनाया हुआ है जहां पे मैं मीडियन इफ फंक्शन के साथ लगाऊंगा जो कि एरे के अंदर होगा, एरे फंक्शन, और मैं यहाँ पे आपको नंबर्स पॉपुलेट करके दिखाऊंगा। तो वो कैसे करते हैं, मैं लगाता हूँ इक्वल्स टू मीडियन, मैंने टैप प्रेस कर दिया, ये पूरे का पूरा मीडियन ऑटोमेटिकली आ गया। उसके बाद मैं लगाता हूँ इफ, मैं लॉजिक टेस्ट देता हूँ, नीदरलैंड्स इज इक्वल्स टू, अगर मेरे इसमें फाइंड हो तो मुझे उसकी मीडियन वैल्यू दे दो। मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, दोनों एंटर करता हूँ, जो कि जीरो आया है। अब आप सोच रहे होंगे जीरो क्यों आया है, जीरो इसलिए आया है क्योंकि नीदरलैंड्स, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक नीदरलैंड, दो नीदरलैंड एंड तीन नीदरलैंड्स, तो अगर नीदरलैंड, मैंने फॉर्मूले को बोला मुझे नीदरलैंड फाइंड करके दो, इसने नीदरलैंड सर्च किया, इसको तीन नीदरलैंड्स मिल गए। अब ऊपर से मैंने इसे बोला हुआ है मुझे मीडियन फाइंड करके दो नीदरलैंड का, तो हमारा फॉर्मूला कंफ्यूज हो गया, क्योंकि अगर आप सिंपल इफ फंक्शन लगाते हैं तो वो सिर्फ एक जो आपकी वैल्यू होती है, जैसे नीदरलैंड है, अगर यहाँ पे सिर्फ एक नीदरलैंड होता तो वो आपको वैल्यू पॉपुलेट करवा के देता, यहाँ पे तीन है तो हमारा फॉर्मूला कंफ्यूज हो गया है। तो यहाँ पे फॉर्मूले को ठीक करने के लिए हमें एरे फंक्शन लगाना होगा। तो मैं इस सारे फॉर्मूले को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर, एज सून एज यू प्रेस द एंटर You will be able to see the median value. क्यों? अब हमारा array function entire range को select करता है, entire जो value output है, output को select करता है और उसके बाद हमें value populate करके देता है। अब देख सकते हैं आप, Netherland का 869 median आया है। तो let's check if our function is giving the correct answer or not. So, ये देखिए, सबसे ज्यादा वैल्यू है 976, देन द लोएस्ट वुड बी 551, सो आर मीडियन इज 869, विच इज द करेक्ट आंसर। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक फंक्शन लगाया मीडियन एंड इफ और आपको वैल्यू पॉपुलेट होके आ गई। सो ये बहुत ही यूजफुल फंक्शन है, एरे फंक्शन कहते हैं हम इसे, जो कि कंट्रोल शिफ्ट और एंटर से चलता है। आप जरूर अप्लाई करिएगा फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला लगेगा और आपके रेगुलर टास्क में भी ये बहुत यूज आ सकता है। सो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी।
अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और हाँ, साइड में जो चैनल के बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो जो भी लेटेस्ट एक्सेल की वीडियोज़ होंगी जो मैं पोस्ट करूँगा वो आपको सबसे पहले मिल पाएंगी. So, thank you friends. Thank you so much for watching this video. Have a wonderful day. Bye-bye.